पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि पापा ऐसे ही वापस क्यों आते हैं। और आते ही उन्होंने अपना फैसला भी सुना दिया कि श्वेता वापस नहीं आएगी। विकास, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ तुम परेशान नजर आते हो। आखिर बात क्या है? क्या आखिर मामला क्या है? तो पूछिए मॉम, डैड से पूछिए कि क्यों वो श्वेता को वहाँ छोड़कर आ गए। ये फसल आपकी बोई हुई जिसमें आज कांटे उगे और हम सबको चुभ रहे हैं। आपको नहीं पता, मेरा तो रात की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका था। ये सोच के कि मुझे अर्चना बहू के मामले में आखिर फंसाया क्यों जा रहा है? मेरा दोष क्या है? मेरी गलती क्या है दीदी? तुम्हारी गलती ये है कि तुम इस घर में रहती हो। और तुम पर भी तो इल्जाम श्वेता के इस घर से अपनी सगी माँ और सगी बहन के पास पहुँचने के बाद लगाया गया था ना। तुमने शायद उसे घूर कर देख लिया होगा। इनकी बेटी है ना, मुरझा गई होगी तुम्हारे घूरने से। उसी का बदला लिया होगा तुम्हारे से। ताने मत दो सुमति, अगर काम्या और श्वेता ये सब कर रही हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो फिर और किसकी गलती है पापा? ये फसल आपकी बोई हुई जिसमें आज कांटे उगे और हम सबको चुभ रहे हैं। ये कांटों की बाढ़ आपने अपने आसपास लगाई। नहीं। हाँ पापा, आज तो ऐसा लगता है कि अपनी बर्बादी का बीज आपने उसी दिन बो दिया था जिस दिन काम्या और उसकी माँ को घर से निकाला। हाँ जी जी, आपको जो कुछ भी करना चाहिए था सोच समझ के करना चाहिए था। अरे मैं तो ये कहता हूँ उस मामले को उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था, वरना आज हम पर यह बात आती क्यों? आगे राम जी की मर्जी। क्या करता? क्या करता? कुछ नहीं, बस उन लोगों को अपने साथ रखते। काम्या बार बार इन्हें फोन करके इन्हें इनका अतीत याद दिलाती रही। पता नहीं उसने इन्हें फोन करके कि क्या क्या याद दिलाया, कितनी बार याद दिलाया इन्होंने अतीत में क्या कुछ किया है, पर इन्हें तब भी समझ में नहीं आया कि काम्या इन्हीं की बेटी है। कैसे अंदाजा लगाता मैं? बोलो कैसे? मैं तो ये समझता था कि सावित्री और उसकी बेटी की मौत नदी में डूबने से हो चुकी थी, और ये खबर मुझे बाद में मिली। लेकिन अब तो आपके सामने है ना, अब क्या करेंगे आप? मुझे काम्या की हर एक बात याद आती है, उसकी एक एक चुपती हुई बात के पीछे का मतलब समझ में आता है मुझे। हाँ? अरे आज तक तो मैंने ये सुना था कि जायदाद और अधिकार को लेकर अरे भाई भाई आपस में टकराते हैं। जी, क्या जमाना आ गया। अरे आज पहली बार सुन रहा हूं कि एक बहन अपने भाई से टकराएगी, और दीदी वो भी कौन सी सौतेली बहन। दीदी
लगे राम जी की मर्जी अब तो भाई। अब काम्या को मैं जवाब दूंगा, उसकी हर बात का जवाब मैं दूंगा, क्योंकि क्योंकि अब तो ये मामला बिजनेस का नहीं है ना, और ऐसी भी कोई बात नहीं है जिसे भुला दिया जा सके। ठीक है, टकराना चाहती है ना, टकराने, उसकी हर बात का जवाब तो मैं उससे बराबर दूंगा। मेरे तो गर्म ही फूट गया, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इनसे शादी करके सबसे बड़ी गलती की थी। अरे गलती तो मैंने की है, ऐसी गलती जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। सच कहानी के रूप में ये बीज मैंने खुद बोए थे, कांटों की वो बाड़ मैंने अपने आसपास खुद उगाई है, जिसके कांटे मेरे शरीर और मेरी आत्मा में न जाने कब तक चुभते रहेंगे। कुल की ज्योति कन्या। ये बिजनेस डील कल तक क्लोज हो जानी चाहिए नेहा। इनफैक्ट मुझे सभी डीलर्स को इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ कैसे और बिना परमिशन के आप अंदर कैसे आ सकते हैं? वैसे ही जैसे मैं आया हूँ। क्या करना है, पुलिस को बुलाएं? मिस्टर अनिकेत घबराइए मत, मेरे लिए आपका यहाँ आना कोई इतनी बड़ी हैरानी की बात नहीं कि मैं पुलिस को फोन करूं। मैं जानती थी कि जब आपको मेरी सच्चाई का पता चलेगा आपके कदम मेरी तरफ जरूर उठेंगे। इनफैक्ट मैंने नीचे वॉचमैन को कह रखा था कि जब आप यहाँ पर आए तो आपको रोका ना जाए, एंड आई एम श्योर उसने आपको रोका नहीं होगा। एम आई राइट? आज तक मैं इसे बिजनेस के टकराव के नजरिए से देख रहा था, इसलिए जब आपने हमारे घर के मामले में दखल देना शुरू किया तो मुझे लगा एक बहुत ही बेवकूफाना हरकत। लेकिन अब समझ में आया कि तुम जानबूझकर हमारी खुशियों में आग लगाने की कोशिश कर रही हो। ये बात भी मैंने आपके घर वालों से ही सीखी कि किसी की खुशियों में किस तरह आग लगाई जाती है, क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने अपनी मॉम को गम की आग में झुलसते हुए देखा है। जिस गम की आग में वो झुलसी है उसका थोड़ा सा एहसास तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को भी जरूर दिलाऊंगी। काश तुम पहले खुलकर सामने आ गए, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें देता। कोई बात नहीं, अब जब बात खुली चुकी है तुम्हारे एक एक सवाल का बराबर जवाब दूंगा मैं। तुम हमें अर्चना के कत्ल के जुर्म में फंसाना चाहती हो ना? लेकिन मुझे तो लगता है कि उसके कत्ल की जिम्मेदार तुम हो। हाँ, क्योंकि अगर उसके कत्ल के पीछे कोई साजिश है तो हो सकता है उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं इस बकवास को सच साबित करके दिखाऊंगा मिस कामया। खेल खेलना चाहती हो ना, खेलो, मैं दिखाता हूं तुम्हें खेल कैसे खेलते हैं। अब बात बिजनेस की नहीं होगी, फायदे और नुकसान की भी नहीं होगी, अब बात होगी तो तुम्हारे और मेरे टकराव की होगी। एक सलाह देना चाहती हूं मिस्टर निकेत। मैंने अब तक जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया, और तुम जो कुछ भी कह रहे हो गुस्से में कह रहे हो, और तुम्हें सलाह ये देना चाहूंगी कि अपने गुस्से पर काबू रखो, क्योंकि अक्सर लोग गुस्से में अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आपको मालूम था कि वो यहां आएंगे? हाँ नेहा, मुझे पता था जब उसे मेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो वो
खुद को रोक नहीं पाएगा। मुझे तो लगता है कि सच्चाई सामने आने के बाद अनिकेत उसके घर में हो रही हलचल का जिम्मेदार कहीं आपको तो नहीं समझता। देखो तृप्ति, अनिकेत के घर में जो कुछ भी हो रहा है, जिस बात की भी हलचल मची हुई है, उसे तो उन्हें सुलझाना होगा ही। लेकिन तृप्ति, तुम मामा जी का फैसला भी गलत नहीं ठहरा सकती हो। लेकिन मैंने कब कहा केतकी कि पापा का फैसला गलत है? लेकिन हाँ, वो जो कुछ भी सोचकर इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं वो भी तो सही नहीं है ना। लेकिन तृप्ति, ये बात तो सच है ना कि उस घर में अनिकेत की पहली पत्नी की मौत हुई है। और जिसे आज एक साजिश माना जा रहा है। मैं नहीं जानती कि ये साजिश किसकी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अनिकेत और उसके परिवार वाले वो लोग बेगुनाह हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। अनिकेत बेगुनाह है केतकी, मैं अच्छे से जानती हूँ। अनिकेत ने जब से मुझे देखा, जब से मुझे मिला, तब से उसकी आंखों ने भी न जाने कितने सपने सजा लिए। फिर इसमें उसकी क्या गलती है? उसे किस बात की सजा दे रहे हैं? कुल की ज्योति नमस्कार भानु प्रताप जी। अरे नमस्कार मीनाक्षी जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। कई बार आपसे बात करने के लिए सोचा, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। लेकिन भानु प्रताप जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अनिकेत के साथ रिश्ते से आपने इनकार कर दिया? जी हाँ, जो कुछ मैंने उस परिवार में होते हुए देखा है, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता उस घर के साथ जोड़ना चाहिए। हादसे किसके साथ नहीं होते? उस घर में जो कुछ भी हुआ था वो एक हादसा था, और उस हादसे को ही बुनियाद बनाकर कुछ लोग उस घर की खुशियों को बर्बाद करना चाहते, और अनजाने में आप भी उन लोगों का साथ दे रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? हाँ, चोट खाए इंसान के जख्मों पर मलहम लगाना ही इंसानियत कहलाती है, और मेरी यही कोशिश है, इसलिए मैंने आपको फोन किया। आपको नहीं मालूम, लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि दामोदर जी और उनके परिवार को कौन बदनाम करने की साजिश कर रहा है। कौन कर रहा है? उसका नाम काम्या है। ये सब उसी की चली हुई चालें हैं, जिसमें फंसकर आपने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। पूरा परिवार आपके इस इनकार से दुखी हो गया। ऐसा मत कीजिए, रिश्ते जुड़ते तो बहुत मुश्किल से हैं, और इस तरह आसानी से टूट जाए तो बहुत दुख होता है। तृप्ति को देखने के बाद अनिकेत ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन आपके इनकार के बाद अनिकेत दूसरी शादी के लिए हरगिज तैयार नहीं होगा। अनिकेत का घर कभी आबाद नहीं हो पाएगा। भगवान ने आपको नेक कार्य करने का मौका दिया है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आपको इस शादी से इनकार नहीं करना चाहिए। और रही बात तृप्ति की, तो मैं आपके सामने दावा करती हूँ कि आपकी बेटी पर कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि वो परिवार ऐसा नहीं है। समाज में उनका नाम है, एक रुतबा है। सोच लीजिए, किसी भी फैसले से पहले अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना भी
जरूरी होता है। दामोदर जी को आपके फोन का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। मेहता को अंदर भेजो। यस सर, बुलाया आपने? बैठिए। क्या बात है सर? मैं कामया से मिलकर आया हूं। कामया से? सर अब उससे मिलने का कोई मतलब नहीं, आपसे पहले भी मिल चुके हैं और विकास जी ने भी उसको समझाने की कोशिश की। सर वो किसी के समझाने से नहीं समझने वाली। मैं उसे समझाने नहीं गया था मिस्टर मेहता, मैं उसे बताने गया कि इस बिजनेस के पीछे छुपी हुई हकीकत मुझे समझ में आ गई है और अब उसी हकीकत को सामने रखकर आगे की लड़ाई लड़ूंगा मैं। हाँ मिस्टर मेहता, अब ये लड़ाई मेरे मान सम्मान की लड़ाई, अब जो भी कदम उठाना पड़े, जितना भी नुकसान, मुझे परवाह नहीं, चाहे कुछ भी हो, उस कामिया को सबक मिलना चाहिए बस। अब मैं हरगिज नहीं सुनना चाहता कि कामिया ने हमें शिकस्त दे दी, हमारे डायमंड के सेल्स गिर गए, कामिया ने हमारे डायमंड के डीलर्स को तोड़ दिया। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता। जैसे हम डायमंड के मार्केट के राजा थे वैसे हम वापस होने चाहिए। आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है बनाइए, जितना नुकसान होता है होने दीजिए, मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। डीलर्स को तोड़ना है, जिस तरह तोड़ना है तोड़िए। किसी भी हालत में मुझे कामिया से आगे निकलना है बस। कुल की ज्योति कन्या। कुल की पूछो जी, अब क्या चल रहा है आपके दिमाग के अंदर? अरे भगवान, क्या चलेगा मेरे दिमाग के अंदर? मैं तो यही सोच रहा हूं कि इंसान की गलतियां और उसके गुनाह कभी नहीं छूते, वो एक ना एक दिन खुलकर उसके सामने आते ही। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि चीचा जी गुनाहगार हैं तो आखिर किस किस के? मामा जी, अगर इस घर की बर्बादी की बुनियाद कामिया ने रखी है ना, तो डैड भी उसमें बराबर के हिस्सेदार है, वो भी इस घर के गुनहगार है। मैं तो यकीन ही नहीं कर सका, ये सच्चाई जानकर मैं शॉक्ड हो गया कि मेरे डैड उस कामिया के भी पिता है। हाँ बेटा, वो जीजा जी की ही बेटी, शायद उसे पैदा करने का गुनाह चीजा जी ने किया है। गुनाह नहीं किया है उन्होंने, गुनाह नहीं किया उसे पैदा करके, बल्कि उसे अपने आप से दूर रख के गुनाह किया है। अगर पैदा करने की हिम्मत रखते थे तो उसे पालने की हिम्मत भी रखते हैं। आज अगर कामिया हमारे साथ होती तो वो हमसे ज्यादा ताकतवर बनकर हमारे सर पर तांडव नहीं कर रही होती। बिल्कुल सही कह रहे हो विकास बेटा। अब जीजी ने जब सारी जिंदगी श्वेता को अपने सर पर ढोया है तो क्या उस कामिया को नहीं ढो सकती थी? मामी, जिंदगी भर हम पर बहुत हुक्म चलाया ना डैड ने, बहुत ज्यादा। अब उनसे कहिए कि उस कामिया के पास जाए और उस पर अपने
डैड होने का दावा करें और उसे कहें कि जो साजिश है वो हमारे खिलाफ रच रही है, उसे बंद कर दे। अरे किस मुंह से बाप होने का दावा करेंगे वो? बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया उन्होंने? और फिर गुनाह का सारा बोझ तुम सबने मिलकर उनके सर पर डाल दो। हर गलती के जवाबदार और जिम्मेदार क्या वही है? क्या किया उन्होंने कामिया के लिए? उन्होंने वहां जाके बाप का कौन सा फर्ज निभाया? क्या कहें वो उसके लिए? तुम लोगों के लिए उन्होंने अपने सारे फर्ज निभाए हैं ना, उसके बावजूद भी अगर तुम लोग उन पर उंगली उठा सकते हो तो कामिया को वो सब कुछ बोलने का अधिकार क्यों नहीं है जो उसने जीजाजी से बोला? देखा मामी, देखा आपने, अभी ने डैड सही नजर आने लगे और हम लोग गलत। नहीं नहीं विकास बेटा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम लोग यहाँ पर आए हैं इस घर की भलाई के लिए तो आए हैं। अब ये तो ना कहीं भी बेवक्त बेमौका रामायण पढ़ने लग जाते हैं। तुम तो इनके आदत जानते ही हो ना। अरे भाग्यवान, अरे जीजा जी हैं, अब उनका तो पक्ष नहीं होगा ना। आगे राम जी की मर्जी। मामा जी अगर सभी सही हैं तो गलत कौन है? बेटा कहा ना मैंने, आगे राम जी की मर्जी। राम जी की मर्जी। हेलो जी, मैं भानु प्रताप बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई साहब, मैं सुमति बोल रही हूँ, अनिकेत की मम्मी। ओ जी नमस्कार, वो दामोदर जी हैं घर पे? जी अभी बुलाते हैं। सुनिए भानु प्रताप जी का फोन है। आया। हेलो नमस्कार जी, कहिए कैसे याद किया? जी वो नमस्कार, वो मीनाक्षी जी से फोन पे बात हुई थी। तुम्हारी हालत देख के मुझे मजा आ रहा है विकास, अभी तो शुरुआत है, अभी तुम्हारे दिमाग पर ना जाने कितनी बिजलियां टूटने वाली हैं। अगर सचमुच मैंने सही राह पकड़ी है तो मुझे राह दिखाओ मेरे प्रभु, मुझे राह दिखाओ। हाँ हाँ ये सच है सावित्री, के अनिकेत कामिया से मिलने उसके ऑफिस आया था।